जो आ रहे हैं बिल्कुल के देख, जो ना वो जो जो इस साइड के इश्यूज है ना, जो मैनेजमेंट साइड के, उसको भी समझे। तो बाकी रिक्वेस्ट करके देख रहे हैं सब साहब को, अगर कुछ हो सकता है तो इस बारे में, मतलब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक सेंटर में नहीं होगी, ये सब सेंटर्स के अंदर होगी। जी जो आ रहे हैं बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो यही होता है ना कि बस फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से बाकी लोगों को भी नुकसान हो जाता है। आवाज नहीं आ रही जरा, आपका भी ऑडियो का इश्यू है, इसलिए 100% की भी नहीं ना। नहीं, 100% ना हो, लेकिन देखिए ना, उनको ये फैक्ट बुरा लग गया है कि एक ही दिन में 50-55 लोग डाउन हो गए, तो वो थोड़ा सा काफी डिस्करेज, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा डिस्करेजिंग था वो। सर किसी और बैच की टाइमिंग है आफ्टर 12? ये भी नहीं आइडिया जी, सप्ताह सब बताएंगे आपको। जरा को प्लीज मैसेज कर दें कि वो दोबारा ज्वाइन करें, उनका ऑडियो सेटिंग का इशू होगा। जी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, रिकॉर्डिंग ज्यादा आ जाता है ना दे रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे लेजीपन ज्यादा आ जाता है। देखा ये कैसी बात, ये अच्छी बात की है, हम बच्चे हैं, माफ कर दें, बरकतुल्लाह। ये जी मैं तो चाहूँ, अगर यकीन मानो रिकॉर्डिंग्स की बात करो ना, तो जितना ट्रेनर को रिकॉर्डिंग्स का फायदा है ना, अगर रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हो, उतना तो किसी को भी नहीं है। आप मुझे कभी कोई पॉइंट पूछो तो मैं कहूंगा यार फलां रिकॉर्डिंग जाके देख लो, वो वहां पड़ी हुई है, वो लेक्चर नंबर है उसमें जाके देख लो। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे है कि मुझे दोबारा से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी आपको, मैं रेफर कर दिया करूंगा फलां लेक्चर जाके देख लो। लेकिन मुझे भी फिर मैनेजमेंट के साथ और उनकी बातों के साथ एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उनके बड़े वैलिड है, वरना मेरे हाथ में होता तो मैं तो कहता हूँ जी करो, रखें रिकॉर्डिंग्स, हर लेक्चर आपके पास पड़ा है, जब दिल करे जाके देखो। जी ये वाला पॉइंट भी है, हम सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, और बाद में 4-5 माह भी कंप्लीट नहीं होता, होता है इस तरह। हसन मंजल्दी गुस्सा, इज इट क्रिएटिव राइटिंग क्लास और फ्रीलांसिंग? आज जो आप कहेंगे मैं वहां से स्टार्ट लूंगा, और आज थोड़ा सा आउटलाइंस को भी शेयर करना है मैंने, देखना है आपके साथ, और मेरा प्लान है कि मैं आज आपके साथ अकाउंट्स क्रिएशन जो है ना उसके लेक्चर भी शेयर करूंगा। पहले तो आपसे पूछूंगा ना, कल जो मैंने असाइनमेंट दी है, अकाउंट क्रिएशन के लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, ताकि हमारे रियल टाइम जो लेक्चर हैं, जो एक्चुअल लेक्चर्स हैं, वो बच जाएं, उसकी बजाय आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग देख के अकाउंट बनाओ, जो इशू होगा मुझसे पूछ लेना, और बाकी हम लोग जो लेक्चर होगा उसको आगे किसी प्रोडक्टिव काम में प्रैक्टिकल साइड पे आके स्टार्ट कर देंगे। क्लास टाइम 2 PM था तो काइंडली टाइम वहां रखें। अशबा, अशबा ही नाम है ना? अच्छा यार ऐसा है कि मेरे हाथ में नहीं है टाइमिंग भी, और कल जो फर्स्ट ओरिएंटेशन में सत्यान साहब ने बोला था कि चेंज नहीं हो सकती। देखिए मेरा काम है आपको ट्रेनिंग देना, मुझे 9:30 बजे बोला है, मेरे पास मुझे 11:30 बजे कहेंगे, मुझे 2 बजे कहेंगे, मुझे 4 बजे कहेंगे, मैं अपना टाइम मैनेज करूंगा और वहां पे आ जाऊंगा। तो ये सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी ये मैनेजमेंट की साइड से है, जो बाकी क्लासेस की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली सेटिंग हुई हुई है। तो इसमें मतलब तो एज अ ट्रेनर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप जिस तरह मुझे बोल रहे हो मैं आगे बोल सकता हूँ, आगे उनकी मर्जी है कि वो करें या ना करें। मेरा जो रोल है कि मैं आपको अच्छे तरीके से चीजें करवाऊँ, वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। बाकी टाइमिंग हो गई, लेक्चर रिकॉर्डिंग हो ना हो, इन चीज़ों में बहुत ज्यादा सपोर्ट मैं चाह के भी नहीं कर सकता, मैं एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आगे फिर उनकी भी आगे की लिमिटेशन है, उसके बाद वो करें ना करें। तो 71 मैसेजेस हुए पड़े हैं, मैं कौन सा पढ़ूं और कौन सा ना पढ़ूं, मेरा ख्याल है लेक्चर की तरफ चलते हैं। सत्यन साहब आपने आना है, स्टार्ट में बताना है कुछ, ये मैं स्टार्ट करूं? वसीम भाई आप स्टार्ट कर लें, मैं मीटिंग में हूँ, मैं फिर आपसे ना एंड एट दी एंड आ जाऊंगा। चले मुझे बता दीजिएगा फिर। थैंक यू सो मच। लेकिन जी टाइमिंग शॉर्ट स्टार्ट करते हैं, इनके मैसेज मिस हो गए हैं, काइंडली बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना काफी ज्यादा नीचे पेंडिंग हुए पड़े थे।
जी चलें, लेट्स स्टार्ट। कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी आपको, बल्कि कह रहे हैं किसी को भी हेल्प की जरूरत हो फाइवर पे तो आई कैन। बिल्कुल, यही मैं चाहता हूँ कि आप कम्युनिटी के अंदर और ग्रुप में पोस्टिंग किया करें। किसी को हेल्प चाहिए ग्रुप में पोस्ट करो, रिप्लाई पोस्ट वहां पे ग्रुप में करो। एक बंदे को एड्रेस किया हुआ है, मल्टीपल लोगों का बेनिफिट हो रहा होगा जब उनको ये इश्यू फेस करना पड़ रहा होगा तब। अच्छा, कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि अपवर्क फाइवर सिर्फ दो प्लेटफॉर्म मस्ट बोला था, उसमें जाओ। जैसे मैंने कल स्किल्स हंटिंग की है, आप अपनी फील्ड के रिलेटेड जिस जिस फील्ड से आप लोग आए हुए हो, जो जो काम आपको लगता है कि आपको कुछ आता है, कुछ स्किल आपके पास है, जो आपके एजुकेशन रिलेटेड है, कोई आपके बेसिक स्किल आपके पास है, उसके रिलेटेड आपने जाना था और चेक करना था आपको कुछ नजर आया है ऐसा जो आप कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत डेमो मैंने भी दिया था, बाकी आप पे छोड़ा था। तो मुझे बताएं किस किस को कुछ ना कुछ मिला है अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपनी स्किल सेट के रिलेटेड, कि ये काम किया जा सकता है। हर बंदा मुझे बताए, क्योंकि यहाँ पे यस या नो या जो जिनको कुछ मिला होगा उस बेस पे मुझे पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट क्या मूव लेना चाहिए। क्योंकि उस बेस पे मुझे पता चलना है कि क्या मूव होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा। बस जो भी मिले आप मुझे, कोई भी स्किल आपकी थी और उसके रिलेटेड आपको कुछ नजर आ गया कि ये हो सकता है, तो बस आपने उसमें मुझे बता देना है। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये आप सब लोग वो है ना जो मुझे सिर्फ स्किल तो नहीं बता रहे कि बस ये स्किल हम कर सकते हैं, आपको वो चीज नजर भी आई हो अपवर्क पे, फाइवर पे, बाकी प्लेटफॉर्म जो अगर विजिट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे अपने रिलेटेड चीजें नजर आई हो जो की जा सकती हैं, जिसकी समझ आ रही हो, सेंस बन रही हो कि हाँ ये तो हो जाएगा। तो माशाल्लाह सारी मेरे ख्याल में पूरी क्लास को ऑलमोस्ट नजर आ गया है, लेकिन जिनको नहीं भी आया कोई बात नहीं। पेरोल का था तो पेरोल मैनेजमेंट को सर्च कर लें टॉप पे, मैंने एंड पे बताया था ना जिस तरह से कैटेगरी नहीं मिल रही तो सर्च कर लें और फिर देखेंगे वहां पे क्या जॉब्स आती हैं। तो माशाल्लाह जी काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ वहां पे नजर आया है ऐसा जो आप कर सकते हो, आपको लगता है कि किया जा सकता है। तो देर इज नो रीजन टू वेट एनी फर्दर। तो उसमें ये है कि आप लोग अकाउंट बना के अप्लाई करना, उन फील्ड के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, उन फील्ड के अंदर काम करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी जो जो लोग जिनको कुछ ना कुछ नजर आया है उन लोगों को उस काम को करने में, और अभी तक जो उसके बीच में एक हर्डल है वो ये सिर्फ अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद अप्लाई करने का वे देखना है कि अप्लाई कैसे करते हैं, प्रपोजल राइटिंग कैसे होती है वो समझना है। तो यू आर रेडी टू गो, कोई पैसे नहीं लगने, कोई कुछ नहीं होना, फ्री अकाउंट, फ्री कनेक्ट्स जिसपे कोटा मिलता है अप्लाई करने का, उसको यूज करते हुए अप्लाई करना है। आपकी कोर स्किल है, स्किल को सेल करना है, कुछ भी और इसके अंदर कोई हर्डल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना और स्टार्ट होना है। तो इस वजह से जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि आपके पास जो स्किल थी वो नजर आई है, तो हमारी जो नेक्स्ट मूव है वो होनी चाहिए कि अब मैं आपको अकाउंट्स बनवाऊं, ताकि वो लोग जिन्हें कुछ ना कुछ नजर आ रहा है वो ज्यादा वेट ना करें, अकाउंट बनाएं, अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो मैं अकाउंट बनाना भी बताऊंगा, मैं अप्लाई करने का भी बताऊंगा, ताकि आप उस पे काम करना स्टार्ट करो इन चीजों के अंदर। प्लस स्किल्स को सीखते जाओ और उनको अडॉप्ट करते जाओ, और उसको भी साथ साथ हम लोग इंशाल्लाह ऑफर करने की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह काफी लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ मिल गया है, नेटवर्किंग के रिलेटेड स्किल है मेरी, बट मुझे कोई इस तरह की कुछ स्किल नहीं मिली। नेटवर्किंग है यार इसके अंदर, रमजा है नेटवर्किंग। तो आप अगर तो कैटेगरी में इशू आ रहा हो तो टॉप पे सर्च बार जो है सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करके फाइंड जॉब्स वाला जो थर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या स्किल है रुपया, तो मैंने आपको कल राइटिंग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवाया था, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के अंदर आपको कुछ कुछ जॉब्स हाईलाइट करवाई थी जो ऐसी थी जो रैंडम थी जो जर्नल टाइप की थी,
अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, और माशाल्लाह सारे ग्रेजुएट्स हैं तो इंग्लिश वगैरह का तो मैं कहूँगी कि आप सिर्फ चैट ही कर लो, बात कर लो, वो तो आपको तो मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी किसी को कॉलिंग के ऊपर इशू आ सकता है, तो कॉलिंग भी कोई नहीं, वो भी इस तरह हेजिटेशन ही इंशाल्लाह वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चैट भी हो सकती है तो काम हमारा हो जाएगा। तो आप राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, वेब रिसर्च, वो जो कल मैंने चीज़ें हाईलाइट की थी उनकी तरफ जा सकते हैं आप, जिनको नहीं कुछ नज़र आ रहा मैंने वो कोशिश की। उसके बाद भी अगर किसी को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तो एक तो ये कि जो लोग भी आपको काम देते हैं इंसान है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उसे काम चाहिए, आपने काम करके देना है। अगर आप उसको आपको समझ आती है, आप उसे बोलोगे जी मैं कमिट करता हूँ काम हो जाएगा, आप कर दें, एक दफ़ा सिर्फ एक जॉब आपके हाथ से गुजरने की देर है, आपको सारा फ्लो समझ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस हम लोग साथ साथ जो हैं जो सीख चीज़ें सीखेंगे वो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे रखो, क्यों? जो बंदा आपको जॉब देने आया है, आपने किसी जॉब पे कर दिया अप्लाई, आपको समझ आई, आपने अप्लाई कर दिया, उससे बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, कुछ उसके पॉइंट समझ आ गए, आपने उसे एग्री कर देना मैं आपको काम कर दूंगा। अगर नहीं समझ आती तो उसको डिसएग्री कर दो, नहीं जी मुझसे ये दो काम होंगे, ये तीसरा काम जो आप बोल रहे हैं मुझे नहीं आता, बट आई विल ट्राई टू लर्न इट। साफ साफ सीधी सीधी ऑनेस्टली बात करो, उसके बाद काम करो, काम अच्छे से अच्छा कर परफॉर्म करने की कोशिश करो, काम करो उसको, और आपको पैसे मिलेंगे बस। तो कुछ भी नहीं है इसमें, और वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है? अगर आपने किसी जॉब अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू में चीज़ें नहीं आपको उस तरह से पता लगी, उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ ली, तो साफ साफ कह देंगे सॉरी आई कांट डू दैट, इंटरव्यू देते हुए कोई मसला नहीं है। जॉब जब तक आप ले नहीं लेते हो ना, जब तक आप एग्री नहीं कर जाते हो, जॉब स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके हो गया, कॉलिंग पर बात काम ही जाती है सर, मैंने 90 ऑर्डर किए हैं और सिर्फ एक बार कॉल इंटरव्यू हुआ है। हसन देखें, कॉल इंटरव्यू भी होता है तो क्या है, देखो एक बंदा है वो आया आपके पास, उसने बोला है कि मुझे कॉल के ऊपर इंटरव्यू करना है, आप भाग गए कॉल पे तो जाने, कोई जवाब भी नहीं दिया या कह दिया कि सॉरी आई आई कैन जस्ट चैट विद यू, तो इस तरह की बात कर दी, हम साइड पे हो गए, क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो कॉल पे बात कर लोगे तो क्या होगा, ना सही से जॉब नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस तो आएगा, तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा यार, वो सबसे पहले वो माइंड में ले आया करो, बुरे से बुरा क्या होगा, बात नहीं करोगे तो जॉब मिलनी नहीं है, बात कर लोगे तो शायद सही हो ही जाए, बात आपसे जॉब मिल जाए आपको, तो ट्राई गो फॉर इट। उसने कौन सा खा जाना है आपको, नहीं समझे तो ना सही, तो इस तरह की चीजें, ये कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर लाना है, कुछ भी नहीं है ये फील्ड, कुछ भी नहीं है, जितना इसको ईजी बना के चलोगे उतनी ईजी फील्ड है। तो बहरहाल मुझे अभी आइडिया हो गया आप लोगों का कि क्या क्या आप लोग, माशाल्लाह काफी लोगों को चीजें आती हैं और वो लोग रेडी हैं, तैयार हैं, तो मैं ये करने लगा हूँ आप लोगों के साथ कि फाइवर और अपवर्क दोनों से, इन्हीं दो से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। तो अपवर्क या फाइवर, इन दोनों में से एक वीडियो मैं आपके साथ आज इसी टाइम पे शेयर कर दूंगा, ताकि जो नेक्स्ट 2 डेज हैं, सैटरडे संडे, इसके अंदर आप उनकी वो प्रोफाइल कंप्लीट करो, वो अकाउंट कंप्लीट करो, और अकाउंट कंप्लीट करने के बाद मंडे को जब आप आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट प्रपोजल राइटिंग की वीडियो शेयर कर दूंगा, और वो आप कर लेना, तो वो प्रपोजल राइटिंग की भी वीडियो शेयर करूंगा, इसलिए लेक्चर बचाएंगे, लेक्चर को ई कॉम पे और बाकी चीज़ों पे लेके जाएंगे, और इस तरह की चीज़ें मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा अगर आप लोग कर लोगे तो। अगर मुझे कहते हो तो मैं लेक्चर के अंदर ही अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ, लेक्चर के अंदर ही प्रपोजल राइटिंग सिखा देता हूँ, लेक्चर के अंदर ही दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा उसका अकाउंट बनाना बता दूंगा, सब कुछ मैं लेक्चर के अंदर कर दूंगा, लेकिन उसमें ये होगा कि एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर तो कहीं नहीं गया। तो ऐसा करना है तो ऐसा बता दो। दूसरा ऑप्शन है कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लेना, और लेक्चर के अंदर साथ साथ कुछ और चल रहा होगा, तो अगर दोनों एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं तो बताएं। अभी आगे वीकेंड है तो वीकेंड में मेरा, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा आपको कि आप एक रिकॉर्डिंग देख के अकाउंट भी बना लो, और रिकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना वो इंशाल्लाह होपफुली कि वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपको फर्दर किसी टाइम भी आपको चाहिए होगी, तो इसलिए मैं वो नहीं करूँगा। तो मैं सिर्फ टाइम जो है ना उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वाला काम साइड पे हो जाए और हम अपने लेक्चर में भी अलग अलग चीज़ें पढ़ करते रहे। प्रपोजल राइटिंग इंशाल्लाह मेरी रिकॉर्डिंग्स भी जो होंगी ना वो भी आपको लाइव लेक्चर जैसे ही लगेंगी, मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन भी होगा तो वो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे जैसे आप देखेंगे आके मुझसे क्वेश्चन पूछें कि इसमें ये चीज थी हमें उसको समझ नहीं आई। हाँ जी,
चलें बेहतरीन है। तो रिकॉर्डिंग्स की तरफ ज्यादा लोग हैं तो मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ आज शेयर करूंगा। एक प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल काफी है फिलहाल, मेरे मैं दो की भी शेयर कर सकता हूँ लेकिन बर्डन ना आप पे आए, तो एक प्लेटफॉर्म में फाइबर या वर्क में से एक प्लेटफॉर्म की वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप वो बनाएं और फिर आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे नेक्स्ट नेक्स्ट शेयर करूंगा। ओके हो गया, चलें। अब मुझे ये बताएं कि आज के लेक्चर में हम लोग स्टेट पे जा सकते हैं, ई कॉमर्स वाली साइड पे भी उसको भी मैं स्टार्टिंग की तरफ जा सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने राइटिंग का आपको बोला था, तो अगर राइटिंग में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको राइटिंग की कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। क्यों राइटिंग की, मुझे मैंने SEO की बात की थी कि राइटिंग के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है, अगर गूगल पे रैंक होना है आपने तो वो क्या क्या चीज़ें आपने उसमें कंसिडर कर लो, तो राइटिंग को सेल भी कर सकते हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपना जब स्टोर सेटअप करोगे तो उसके अंदर भी अगर आप उसको गूगल पे अपने अपने स्टोर को अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करना चाहते हो तो राइटिंग की वो चीजें आपको भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो वो एक आपके लिए एक अच्छा फैक्टर होगा कि आप खुद नहीं भी लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ताकि जब आप किसी से लिखवाओ तो आप उसके अंदर क्या 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 चीजें ऑप्टिमाइजेशन के लिए होनी चाहिए वो आपको पता हो। तो राइटिंग जो है वो रिलेटेड करती है आपकी, तो अपना स्टोरी बनाओगे तो जारी बात है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हैं, कैटेगरीज हैं, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग जानी है। तो वो राइटिंग अगर आप रेंडमली लिखोगे तो उसका इतना फायदा नहीं होगा, उसका फायदा तब होगा जब उसके अंदर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO की चीजों को इम्प्लीमेंट किया हो। तो अगर मैं वो करवा दूंगा तो दोनों बेनिफिट है, अपना स्टोर बनाओगे तो उसमें इम्प्लीमेंट कर लोगे और अगर आप उस सर्विस को अलग से सेल करना चाहते हो तो सेल भी कर सकते हो। तो अब मुझे आप बताएं कि मैं, क्योंकि ये रिलेट करता है ई कॉमर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, डबल डबल बेनिफिट हो जाएगा, जो सेल करना चाहता है वो सेल कर ले और जो अपना स्टोर बनाएगा उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर ले। तो बहुत ज्यादा SEO के इन डेप्थ हमने नहीं जाना, हमने राइटिंग के अंदर क्या उसके प्रैक्टिसेज हैं उसको देख रहे हैं और फिर हम आगे उसको प्रोडक्ट हंटिंग पे और आगे चीजों पे मूव कर जाएंगे। तो राइटिंग करवा दूं उसकी भी। अच्छा एक और बात, जब मैं रिकॉर्डिंग कहता हूँ ना तो आप समझें कि मुझे इस क्लास के बाद वो अलग से टाइम लगा के रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए हर चीज की रिकॉर्डिंग भी मुझे बोलते रहना। हाँ जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, जो लेक्चर बचाऊंगा उसको इफेक्टिव करने के लिए, लेकिन हर चीज़ की रिकॉर्डिंग जो है वो करना थोड़ा टफ काम है। तो इंशाल्लाह आज छोटा सा लेक्चर है, थोड़ा सा टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर हम मैं राइटिंग को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा आपको, इस तरह से मैं बताता हूँ तो जो थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाएगा हमारा अच्छे तरीके से ये वाला। बरकत असल में ई कॉमर्स में भी देखो ना, कंटेंट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन जो उसमें आर्टिकल कंटेंट लिखोगे, कंटेंट राइटिंग के बगैर तो कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती ना। तो अपने ई कॉमर्स के अंदर भी आपको ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी कैटेगरीज को आप रैंक करना चाहते हो गूगल में, ठीक है। तो मैं अभी नहीं करवाऊंगा तो मैं बाद में आपको बताना पड़ेगा मुझे, वरना आप कहोगे जी ई कॉमर्स तो करवा दिया था, एड्स करवा दी है, लेकिन अगर इसको हमने गूगल वगैरह में रैंक करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो उसमें कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताओ स्क्रीन शेयर आपके साथ होती है तो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास असल में कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने बना के रखे हुए, मैं उसी के थ्रू आपको तेजी के साथ जल्दी से जल्दी जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हम इसको आज ही आज वाइंड अप कर लें। ये देखिए मेरे पास पूरा एक उसका गाइड पड़ी है, उससे पहले कि उसको मैं स्टार्ट करूँ ऐसे कंटेंट को, कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, मेरे क्वेश्चंस नहीं बल्कि पूछना ही है, जस्ट मुझे ये बताएं कि SEO क्या है, सबको पता है, कल परसों का लेक्चर भी सेंड मैं कैसे करूँ वो आपको सब तैन साहब बताएंगे कि होगा या नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि SEO क्या है, पता है सबको, मैं कंटेंट राइटिंग के अंदर जो SEO की एप्लीकेशन है, किसी भी दुनिया की वेबसाइट को, ई कॉमर्स छोड़ दो कोई भी दुनिया की वेबसाइट है उसकी कंटेंट की बात होगी तो कंटेंट के अंदर SEO, उसकी SEO होना जरूरी है। SEO क्या है, सबसे पहले तो जान लें कि SEO क्या है, तो मैं ई कॉमर्स के अंदर भी जरूरी है इस वजह से इसको करवा रहा हूँ, प्लस इसको एज अ सेपरेट सर्विस सेल किया जा सकता है। तो मेरे इस लेक्चर के बाद जो बंदा राइटिंग सेल करना चाहता है वो राइटिंग सेल करने की काबिल है, वो स्टार्ट ले सकता है। एक छोटी सी असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा, एक आर्टिकल लिख के दिखा देना मुझे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गई या नहीं आ गई। सो अटेंडेंस फॉर्म भी शेयर हो रहा है बार बार, अटेंडेंस लाजमी मार्क कर लीजिएगा।
SEO stands for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? मैंने कल बताया था google.com। कोई भी चीज आपके माइंड में आती है आप फटाफट से जाते हो गूगल पे, जाके गूगल पे टाइप करते हो। तो गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड, ये सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन कैसे काम करता है, लाइक मैं यहाँ पे आया और ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोचिज, एक कीवर्ड है, एक टर्म है, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोचिज के बारे में जानना है, तो मैं लिखूंगा नीचे मेरे पास ये साइट्स आ रही हैं। ये आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर 10 साइट्स आती हैं, 10 साइट्स, उसके बाद पेज 2 है, पेज 3 है, 4 है, 5 एंड सो ऑन। तो ये जो कोई भी यहाँ पे टर्म लगाते हो, कोई मूवी सर्च करते हो, सॉन्ग सर्च करते हो, नाच सर्च करते हो, असाइनमेंट के रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हो, तो ये जो सर्च करने पे जो वर्ड्स जो टर्म सर्च करते हो आप, उसके अगेंस्ट ये जो आपके पास साइट्स आ रही होती हैं, ये क्यों आ रही हैं? आप अगर शूज सेल कर रहे हो तो आप चाहोगे कि कल को कोई बंदा अगर शूज कहे बेस्ट, लाइक आपने एक टर्म डिसाइड की कि बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन, ये आपने कीवर्ड डिसाइड किया कि जब ये कोई पर्सन गूगल पे जाके सर्च करे तो ये जो टॉप 10 साइट्स आ रही हैं इसके अंदर मेरी साइट भी आए क्योंकि मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ। तो ये तो आपका जनरल हो गया। अब लेदर शूज, बेस्ट लेदर शूज इन लाहौर इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो, पाकिस्तान लिखा और ये आपके पास जो मल्टीपल साइट्स आ रही हैं, कोशिश करोगे इसके अंदर हमारी साइट भी आए, ठीक है। तो SEO क्या है? सर्च इंजन जो आपका ये जिसके अंदर मैं चीज सर्च कर रहा हूँ, ये सर्च करने पे मैंने अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि वो वहां पे ये जो फर्स्ट टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर मेरी साइट भी आए, इसके अंदर एक स्पॉट मेरा भी हो, क्योंकि लोग पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे नहीं जाते, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लोग क्या करते हैं, ये वर्ड ही चेंज कर देते हैं अगर उनको कुछ नहीं मिलता फर्स्ट पेज पे। तो इसलिए ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि अपनी वेबसाइट को अगर आप गूगल पे रैंक करना चाहते हो तो आपको सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और भी दुनिया के सर्च इंजन है, yahoo.com है, bing.com है, लेकिन हमारा बिगेस्ट कंसर्न होता है गूगल, क्योंकि गूगल दुनिया की नंबर वन साइट है ओवरऑल भी, और सर्च इंजन भी नंबर वन है। तो समझ आ गई SEO क्या है। तो अगर मैंने बेस्ट लेदर शूज को इन पाकिस्तान अगर इस टर्म के लिए रैंक होना है तो मुझे अपना जो कंटेंट लिखना है ना, उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर SEO लानी पड़ेगी, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इसको SEO बोलते हैं। मुझे उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि गूगल कंटेंट के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखता है और फिर उसको यहाँ पे लेके आता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो है ना वो कंटेंट है आपका, आपका कंटेंट मींस राइटिंग जो आपने की हुई है वो राइटिंग है, तो वो राइटिंग आपके अप टू मार्क होना जरूरी है। यहाँ तक बताओ क्लियर है तो मैं आगे चलूँ कि SEO है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, वैसे तो उस पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंटेंट की और जो सबसे मेन पार्ट है। तो अब जो यहाँ पे आपको रैंक हुई साइट्स नजर आ रही हैं, इनका कंटेंट भी अच्छा है, इनकी राइटिंग भी अच्छी है एज पर गूगल है, जैसे वो चाहता है, इसलिए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। ओके हो गया। तो अब बहुत आगे फर्दर नहीं जाते SEO के अंदर, वापस आते हैं कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, चलो ये तो हो गया लेदर शूज का, हो गया इसी तरह का, बल्कि रख लेते हैं किसी किस्म की बट रख लेते हैं। तो बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, अब ये मेरे पास एक इसको मैं कीवर्ड बोलता हूँ, फ्रेज बोल सकता हूँ, कोई क्वेरी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोलो उसको आप। अब इसके लिए मुझे कंटेंट लिखना है तो अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, आप पकड़ो सबको बोलूँ ये कीवर्ड एक है, ये हमारी एक टर्म है, ये टॉपिक है, इसके ऊपर लिखो कंटेंट, मुझे इसके ऊपर 500 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस कीवर्ड को पकड़ेंगे और आपके माइंड में तो जारी बात है हर दुनिया जहान की हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता, आप गूगल भी आगे इसको सर्च कर लो, ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं टॉप 10 इनको ओपन करो, इनको देखो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, और उससे आइडिया लेके अपने वर्ड्स में लिख दो। तो कंटेंट लिखना तो इतना ईजी है, तो जिन लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि कंटेंट राइटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वो थोड़ा सा इस चीज को रिलैक्स हो जाए। अब कि आपने यहाँ पे वो नहीं करना कि आपको एक रूम होगा 4x4 वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10x10 का एक रूम होगा, उसके अंदर आपको उसके अंदर रख के चारों साइड से दीवारें बंद कर दी जाएंगी, कोई विंडो नहीं होगी, कोई डोर नहीं होगा, आपको कहा जाएगा कि ये एक आर्टिकल लिखो
इस टॉपिक के ऊपर जब लिख लोगे तब हम बाहर निकलेंगे, वरना इसके अंदर ही रहना है। तो ऐसे नहीं होगा, एक पेपर पेंसिल बस पकड़ा दी जाएगी कि लिख के बाहर आओ, सोचो और लिखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें इसमें क्या करना है आपने, जो आप वो टॉपिक बोला गया है उसको सर्च करो, नकल करो, लेकिन विद अकल। तो उसको आपने सर्च करना है, सर्च करके देखना है कि यार जो ऑलरेडी वहां पे साइट्स हैं टॉप 10 के अंदर, उनका कंटेंट कैसा है, क्योंकि गूगल ने उनको इसलिए भी तो रैंक किया हुआ है कि उनका कंटेंट अच्छा था। तो उनको ओपन करना है और देखना है उन्होंने कंटेंट कैसा लिखा हुआ है, उससे आइडिया लेना है और आइडिया लेके अपने वर्ड्स में लिख देना है। उसको उससे बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करनी है कि जो लोगों ने लिखा हुआ है आप उससे भी बेटर वे से, बेटर अप्रोच के साथ आप उसको लिखने की कोशिश करो। तो ये करना होता है इसमें। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अपने माइंड से सोचो और लिखो, क्योंकि दुनिया का हर टॉपिक जो है हर बंदे को नहीं पता होता। तो आप सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ पे बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान सर्च करूंगा, ये जो आपके पास डिफरेंट जो है साइट्स आ रही हैं मैं इनको ओपन करूंगा, इनको ओपन करने के बाद इन्होंने कंटेंट कैसे कैसे लिखा हुआ है मैं उसको देखूंगा और मैं अपने वर्ड्स में इनसे बेटर कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। ये है आपका जो है ना एक सिंपल मेथड है। तो यहाँ तक भी क्लियर है? जी जी, मैंने ओपन ऑलरेडी कर दिया है। ये देखें इसका ये कंटेंट इसने लिखा हुआ है, ये जिसने राइटिंग जितनी भी राइटिंग होगी इस पेज के ऊपर मैं सारी राइटिंग देखूंगा किस तरह से लिखी हुई है, क्योंकि गूगल ने इसको इस राइटिंग के बेस पे भी रैंक किया हुआ है। राइटिंग भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ रैंकिंग। ये क्लिक हो गया नेक्स्ट पेज। दूसरा भी मैं दूसरी साइड को ओपन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उनके ऊपर मुझे खास कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। थर्ड वन तो खास नहीं है, तो हम भी उसी तरह एवरेज कंटेंट के साथ रैंक हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट हमें अपने कंपेटिटर की साइट पे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी कोई खास कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं उसके लिए देखना है कि कंटेंट किस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पे कम कंटेंट के साथ अगर साइट्स रैंक हुई हैं तो आप भी कम कंटेंट के साथ हो सकते हो, क्योंकि ई कॉमर्स है और होम पेज पे वैसे ही लोग बहुत कम कंटेंट रखते हैं, इस वजह से कंटेंट आपको कम नज़र आ रहा है। तो बहरहाल आइडिया लेना है और फिर लिखना है। इस तरह ये मैंने तीन साइट्स ओपन की हैं, आपके पास ये और साइट्स भी हैं, ये एक साइट पड़ी हुई है इसको ओपन कर लो, ये एक साइट पड़ी हुई है इसको ओपन कर लो, तो मल्टीपल साइट्स हैं यहाँ पे। आप सबको ओपन करें और देखें कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जाएंगे। ये देखें, छोड़ दें हसन, इमेज ऑल्ट है, कुछ पूछ रहा है कोई यूट्यूब वीडियो की ऐसी पूछ रहा है, हम उस साइट पर नहीं जा रहे। हम सिर्फ फिलहाल कॉन्टेंट के साथ स्टिक कर रहे हैं, अभी मत जाओ भी ना, क्योंकि बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने वैसे मुझसे पूछना है तो मैसेज में पूछ लेना अगर आपको भी उसका नॉलेज चाहिए। शहाब, वो जो मीटिंग एंड होती है और फिर स्टार्ट हो जाती है वो नेट का इशू होता है, स्टेबल नहीं आ रहा नेट आपका। तो समझ आ गई, ये पॉइंट समझ आ गया कि आपने जो जिस आप एक पर्सन आएगा और वो आपकी या आपकी अपनी वेबसाइट है और आप चाहते हो कि जब कोई पर्सन बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान सर्च करे तो मेरी साइट रैंक पे आए, तो आप अपने लिए काम करोगे। कोई पर्सन आपको आके बोलता है कि ये जो मेरा एक कीवर्ड है इसके रिलेटेड मुझे राइटिंग करवानी है, तो सिंपल राइटिंग क्या होती है कि अगर आपको ये टॉपिक दे दिया जाए ना, आपको बोला जाए कि ये बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, ये मेरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिख दो, मुझे इसके ऊपर कंटेंट लिख दो, आप सर्च करेंगे लिख देंगे। लेकिन लिखते हुए आप अपनी मर्जी से लिखोगे, आप अपने माइंड से जो भी आपको अच्छा लगा आप लिख दोगे, आपने आइडिया लिया हुआ लिख दिया। लेकिन जो एसईओ राइटिंग होती है ना, जो नॉर्मल राइटिंग होती है टॉपिक राइटिंग में, उसमें बस आप रेंडमली लिखते हो, आपने एक चीज टॉपिक पकड़ा, आइडिया लिया और लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो एसईओ राइटिंग होती है उसके अंदर एक चीज जो है ना वो डिफरेंट होती है, वो क्या होती है कि एसईओ राइटिंग जो होती है वो बेस कर रही होती है कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड किस चीज को मैं बोल रहा हूँ, कीवर्ड मैं इस टर्म को बोल रहा हूँ, जो बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान लिखा हुआ ना, ये टर्म जिस टर्म के लिए, जिस कीवर्ड के लिए मैं मेनली रैंक होना चाहता हूँ उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। तो इसको मैं प्राइमरी कीवर्ड बोल सकता हूँ या कीवर्ड बोल रहे हैं आप, कीवर्ड यहाँ तक समझ लें। तो जो राइटिंग आपकी बेस करती है ना कोई, वो कीवर्ड पे बेस कर रही होती है। और कीवर्ड क्या है, वो टर्म जिसके लिए आप गूगल पर रैंक होना चाहते हैं, तो इस टर्म के ऊपर आपकी पूरी एसईओ बेस करेगी, पूरी राइटिंग बेस करेगी। तो अब जब आप लिख रहे होगे तो लिखते हुए एसईओ राइटिंग जी अलग गिग बना सकते हैं, चलो इतना ही पड़ा है।
तो एसयू राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग में फर्क क्या है कि नॉर्मल राइटिंग जो होती है उसमें टॉपिक दे दिया जाए तो आप उसमें लिखना स्टार्ट कर दोगे। एसयू राइटिंग में टॉपिक इनफ नहीं है, आपको प्राइमरी कीवर्ड जिसके लिए कोई पर्सन गूगल पे रैंक होना चाहता है, आप खुद होना चाहते हो, कोई दूसरा होना चाहता है, वो कीवर्ड आपके पास होना जरूरी है। तो नॉर्मल राइटिंग क्या होती है कि बेस्ट लेदर शूज फॉर इन पाकिस्तान, मैं कहता या मैं कहता जी आप ना इस तरह करो कि यहाँ पे आप लिखो एक आर्टिकल, एक आर्टिकल आप लिखिए बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, इसके ऊपर लिखो। चलो मैंने बोल दिया ये, आपने कहा जी इसके ऊपर एक आपने आर्टिकल लिख दिया, सब कुछ कर लिया, आपका मेन टाइटल हो गया। आप इस पे लिख दोगे ओके, ये नॉर्मल राइटिंग आपकी जिसमें आप बस आप रैंडमली लिखोगे। लेकिन एसयू राइटिंग में क्या होगा, एसयू राइटिंग में ये होगा जी सैन बड़ा उर्वित है, एसयू राइटिंग में ये होगा कि आपको एक कीवर्ड दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, जो मेन चीज आपको रिक्वायर्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है कि भाई आप किस कीवर्ड के लिए, किस टर्म के लिए रैंक होना चाहते हो। तो मुझे क्लाइंट बोलता है या मुझे खुद पता है कि मैंने अपनी वेबसाइट को मेनली जो रैंक करना है बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान के लिए रैंक करना है, तो मेरे पास ये होगा कीवर्ड, मैं इसको एसईओ राइटिंग में बोलूंगा कीवर्ड है मेरे पास, इस कीवर्ड को लेके मैंने चलना है और इसके ऊपर मैंने राइटिंग करनी है। तो आप ये कीवर्ड आ गया, अब जो आप आर्टिकल लिखेंगे उस आर्टिकल के अंदर ये जो कीवर्ड जिसके लिए आप कंटेंट लिखने जा रहे हो इसका यूज होना जरूरी है। तो अब ये पॉइंट बड़ा क्लियरली बड़ा अच्छे तरीके से सुनिएगा कि जो नॉर्मल राइटिंग होती है आपको टॉपिक दे दिया जाए आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन उसके अंदर कौन सी टर्म कौन सा वर्ड यूज होना जरूरी है नहीं है इस चीज का ख्याल आप लोग नहीं रखते। आप एक बस एक अच्छा आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको एसईओ राइटिंग बोला जाए तो उसमें आपको एक टर्म कीवर्ड बता दिया जाएगा जिसके लिए रैंक होना चाहता है वो बंदा, और वो आपको बोलेगा कि मुझे इसके लिए रैंक होना है, ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरी टर्म है। तो जब अब मैं राइटिंग करूंगा तो पहली राइटिंग से अब वाली राइटिंग में डिफरेंस क्या होगा कि अब राइटिंग करते हुए जो मुझे टर्म कीवर्ड दिया गया है उसको मुझे प्रॉपर वे से अपने कंटेंट के अंदर स्प्रेड करना है, उसके अंदर यूज करना है, इसका यूज होना जरूरी है कंटेंट की रेलिवेंसी बनाने के लिए कि वो इस टॉपिक के रेलिवेंट है, गूगल उस चीज को देखता है। तो फिर मुझे एसईओ राइटिंग में इस कीवर्ड को जो है वो यूज करना पड़ेगा कंटेंट के अंदर। ये थोड़ा सा ही मुझे पॉइंट यहाँ पे बताएं समझ आया है तो मैं आगे भी बताता हूँ कि क्या कैसे वो यूज करना है। तो एक आम राइटिंग और एक एसईओ राइटिंग में फर्क ये है कि आम राइटिंग पे टॉपिक पे आप रेंडमली जनरल लिखते हो, लेकिन एसईओ राइटिंग में जो कीवर्ड जो टर्म जिसके लिए वो शख्स या आप खुद रैंक होना चाहते हो आप उस कीवर्ड को यूज करते हो कंटेंट के अंदर, स्प्रेड करना जरूरी होता है उसको, द कीवर्ड आपके आर्टिकल के अंदर यूज करना जरूरी होता है, वरना वो आर्टिकल ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन यही है कि जो एसईओ राइटिंग है वो बेस्ड ऑन सम प्राइमरी कीवर्ड सम टॉपिक होती है आपकी। छोड़ दो बैक लिंक, तो आप उस साइड पे ना निकलो यार, आप लोग इधर तो निकल रहे हो, सिर्फ इस टॉपिक के साथ स्टिक करो। वो मैं बताऊंगा बात किया, वो मैं बताऊंगा कि कीवर्ड कितनी बार होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दो आर्टिकल लिख रहे हो सेम टॉपिक पे, पेपर वाला लिख रहे हो, एकेडमिक्स का लिख रहे हो, कोई वैसे क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, एक टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आप कोई बस टॉपिक मिल गया आप आइडिया लोगे लिखना स्टार्ट कर दोगे, आप माइंड में ये नहीं रखोगे कि मुझे ये टॉपिक ये कीवर्ड जो है वो रिपीट करना है, जगह जगह पे प्लेस करना है इस आर्टिकल के अंदर। नॉर्मल राइटिंग में ऐसा नहीं होता, एसईओ राइटिंग में ऐसा होगा कि आपको जो कीवर्ड जो टर्म दे दी गई है ना जिसके लिए वो पर्सन रैंक होना चाहता है या खुद रैंक होना चाहते हो, आपको उस टर्म को आर्टिकल के अंदर कंटेंट के अंदर यूज करना होता है ताकि वो टॉपिक से रेलिवेंट एक बन सके। और ये गूगल एज पर गूगल बेस्ट प्रैक्टिसेस जिस चीज को रैंक करता है जिन चीजों को देख के हम वो अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंस समझ आ गया, डिफरेंस दोनों का नॉर्मल राइटिंग में कुछ भी नहीं है, और ये एसईओ सिर्फ उस राइटिंग की होती है जो ऑनलाइन पब्लिश होनी है, क्योंकि जो कुछ भी ऑनलाइन पब्लिश हो रहा है आपका गोल हो सकता है कि इसको मैंने रैंक करना है, इसको मैंने फर्स्ट पेज पे लेके आना, उसके अंदर एसईओ है। जो ऑफलाइन राइटिंग है थीसीज है, कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई वैसे आप कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आपके पास ऑन पेपर ही रहना है, तो उसमें कोई कोई एसईओ का एप्लीकेशन नहीं है। ओके हो गया। तो नॉर्मल राइटिंग एंड एसईओ राइटिंग में डिफरेंस क्या है कि एसईओ राइटिंग कीवर्ड बेस्ड होती है और उस राइटिंग के अंदर आपको कीवर्ड जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है।
तो अब सपोज करो कि हम लोग राइटिंग कर रहे हैं, एसईओ राइटिंग कर रहे हैं, और हमें बोला गया है या हम अपने लिए कर रहे हैं बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, इसके लिए मैंने मेरी वेबसाइट का जो मेन पेज है वो रैंक होना चाहिए जब भी कोई ये पर्सन कोई पर्सन ये सर्च करे। अब आपके जो अगले क्वेश्चन है ना असद और बाकी लोग पूछ रहे हैं कितनी बार यूज होना चाहिए, कैसे यूज होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो मैं जाऊं बुलेट पॉइंट्स पे, पहले वाला पार्ट क्लियर है, अब मैं बुलेट पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो कैसे डिफरेंशिएट करती है एसईओ राइटिंग, कितनी बार कीवर्ड हो क्या ना हो सब कुछ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने ये लिखा हुआ है ट्राई टू राइट, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ अगर इन केस अगर सही नजर ना आ रहा हो तो, ट्राई टू राइट लॉन्ग कॉन्टेंट 15 to 2000 words और मोर। लॉन्ग कंटेंट मेक्स इट इजी फॉर गूगल टू ट्रैक इट्स रेलिवेंस एज पर केस स्टडीज द एवरेज कंटेंट लेंथ दैट रैंक्स बेटर ऑन गूगल इज 1500 to 2000 words इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स 100 to 150 words। अब देखें ये जो लिखा गया है ना 1500 से 2000 words, ये बेस्ड ऑन ब्लॉग्स आर्टिकल्स। आपने डिफरेंट साइट देखी होंगी लाइक बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल इन पाकिस्तान, अगर मैं सर्च करूं तो मेरे पास इंफॉर्मेटिव कंटेंट आ जाएगा, मेरे पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये देखें बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल इन पाकिस्तान, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीपल आर्टिकल्स आ गए। मैं पहला आर्टिकल ओपन करता हूँ 20 most beautiful places in Pakistan, तो यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल आएगा जिसमें प्लेस 1 2 3 4 हर चीज को एक्सप्लेन किया होगा। ये होता है आर्टिकल, ब्लॉग भी इसको बोलते हैं और आर्टिकल भी बोलते हैं। इस केस में 1500 से 2000 वर्ड जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको वो हैं, लेकिन जब ई कॉम स्टोर है उस केस में उतना होना जरूरी नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑलरेडी रैंक रिजल्ट हैं, ये देखिए हम, ये आपका काफी लेंथी कॉन्टेंट है, तो इस किस्म का जो आर्टिकल्स है ना वो आपके 1500 से 2000 वर्ड या उससे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन जब ई कॉमर्स की बात आ जाएगी, जब स्टोर की बात आ जाएगी, तो फिर क्या करना है, फिर आपने देखना है कि जो आपके रिजल्ट्स रैंक हुए हैं, जैसे मैं अगर इसके लिए रैंक होना चाहता हूँ बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, तो जो ऑलरेडी रैंक रिजल्ट्स हैं इनको ओपन करूंगा, इनके कंटेंट की लेंथ देखूंगा, इनकी कंटेंट की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1000 2000 3000 वर्ड हो, 500 वर्ड से भी काम चल सकता है। और मैंने भी जो 3 4 साइट्स ओपन की थी मुझे कॉन्टेंट बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, तो मैं 500 वर्ड भी लिख लेता हूँ तो मेरे लिए इनफ होगा इस केस के अंदर। तो मुझे वो देखना है कि जो ऑलरेडी गूगल ने रैंक किए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं ताकि मैं उनसे बेटर करूँ, ठीक है। तो इस केस में 500 वर्ड भी इनफ होंगे, लेकिन जब आर्टिकल होगा कोई तो फिर आपको 1500 2000 वर्ड जो है ना वो इससे भी ज्यादा जाना पड़ेगा। वो भी हम ऐसे ही होता है कि टॉप 10 रिजल्ट देखते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन एवरेज ये है। और जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की बात आती है कि आपने, अब आप लेदर शूज तो सेल कर रहे हो, आप उसके अंदर कई तरह के शूज होंगे, ब्रांड्स के शूज होंगे, कोई भी शूज होंगे, तो उन शूज की जो 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 प्रोडक्ट होगी ना इंडिविजुअल, उसके फीचर्स हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है 2 3 लाइनों की, तो वो जो है ना आपका 500 500 वर्ड 1 1000 वर्ड का नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स 1000 से 150 वर्ड्स आर इनफ, इतने आप कर सकते हो। यहां तक बताओ मुझे ये पॉइंट समझ आई क्या है? और ई कॉम स्टोर में जो बोल रहा हूँ प्रोडक्ट साइट जो है उसकी बात कर रहा हूँ, और जब मैं आर्टिकल्स बोलता हूँ तो ब्लॉग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं उसकी बात है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। जी ये जो पॉइंट है वो ये है कि ऑन एवरेज जो अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे आप इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स शेयर कर रहे हो जिसको ब्लॉग भी बोलते हैं, तो उसमें 1500 से 2000 वर्ड मिनिमम लेंथ होनी चाहिए आपके कंटेंट की, इससे ज्यादा भी हो सकती है बेस्ड ऑन कि उस कीवर्ड के लिए जो रैंक पे 10 रिजल्ट्स हैं उन्होंने कितनी लेंथ का कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ई कॉमर्स स्टोर के केस में क्यों प्रोडक्ट्स होती हैं या प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी 100 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होती, आप उतना लेंथी इसको नहीं कर सकते। बहुत कम प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें इतना मार्जिन होता है कि आप उसको लेंथी लेके जाओ, और बाकी लोग भी इतनी लिख रहे होते हैं तो हमारा कंपटीशन ओके हो जाता है। और मैंने अभी आपके सामने देखा कि ये जो कीवर्ड है जिसके लिए मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, मैंने 3 4 साइट्स ओपन की हैं तो मुझे कंटेंट बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। ये कंटेंट इसका ये थोड़ा सा नजर आया है, बाकी साइट्स में मुझे कंटेंट कोई खास नजर नहीं आया। तो दैट मीन्स कि वो जो एक साइट कंटेंट लिखा है उसको लेके मैं चल सकता हूँ, या मैंने अगर 500 वर्ड का कंटेंट भी लिख दिया तो
मैं इन सबसे तो बेटर किया होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 500 वर्ड भी हमारे लिए इनफ होंगे, अगर 500 वर्ड्स के आसपास का कंटेंट हम लोग लिख लेते हैं इस केस के अंदर। समझ आ गई? ब्लॉग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स जो होते हैं उनको ब्लॉग आर्टिकल बोल रहा हूँ, और ई कॉम स्टोर जो आपका जिसपे चीजें सेल कर रहे हो आप वो चीजें होगी। बताएं यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है तो मैं नेक्स्ट चलूँ। ओके, आप देखें यहाँ पे मैंने वो सेम टिप लिखी हुई है। फॉर राइटर अ टिप टू राइट गुड कंटेंट, टाइप इन योर कीवर्ड टॉपिक इन गूगल। नहीं, सिर्फ पैराग्राफ्स के अंदर कीवर्ड होंगे, पैराग्राफ्स के बजाय कीवर्ड नहीं होंगे। पहला कंपटीशन की बात है ना, कंपटीशन की बात है, अथॉरिटी की बात है। कंटेंट इज वन थिंग, मेन थिंग, बट जस्ट वन थिंग, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी हम वो फैक्टर्स ओपन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, राइटर को टिप दी हुई है कि जब भी आप लिखने लगो जो अपना टॉपिक है, कीवर्ड है, उसको गूगल में सर्च करो, टॉप 5 रिजल्ट्स जो हैं उनको देखो, और क्योंकि वो गूगल के मोस्ट फेवरेट रिजल्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, मतलब तो जो जो साइट्स हैं जो उसने रैंक की नहीं है, तो उसका कंटेंट देखो, उससे आइडिया लो और कोशिश करो कि उन टॉप 5 रिजल्ट से बेटर कंटेंट आप लिखो। तो ये टिप दी हुई है मैंने, जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। पहले मैं ये बताऊंगा, फिर मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं ये शेयर भी कर दूंगा मैं आपके साथ। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि राइटिंग कीवर्ड बेस्ड है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड को गूगल में टाइप करें और देखें कि वहां पे ऑलरेडी जो रैंक रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने कैसे लिखा हुआ है कंटेंट, और उस तरह का लिखने की कोशिश करें, उससे बेटर लिखने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है ये। यहां तक बताओ क्लियर है तो आगे चलें, फटाफट से बताएं। उस्मान बताऊंगा यार, ब्लॉगिंग, मैं ब्लॉगिंग की जगह आर्टिकल आर्टिकल यूज कर रहा हूँ। आपको पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है किसी को पता ही ना हो ब्लॉगिंग क्या होती है, तो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल जो होते हैं वो होती हैं। अभी कोशिश करें टॉपिक के साथ स्टिक करें, अगर इसके हट के क्वेश्चन होगा तो मेरे से वैसे पूछो या ना पूछो, यहाँ पे बाकी लोग कंफ्यूज होंगे। ओके, अच्छा जब भी कोई कंटेंट लिखते हो आप, जब भी कोई कंटेंट लिखते हो उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती है ना, सबसे जो पहली हेडिंग है, जो पहला टाइटल होता है आपको जिसको बोलते हो, कितने टाइटल होते हैं किसी भी कंटेंट के, किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो तो उसके जो टाइटल होते हैं, जो मेन टाइटल, वो कितने होते हैं? एक होता है, बाकी प्योर सब ने बोला है एक टाइटल होता है, एक होता है, एक होता है, एक होता है, ऑब्वियसली एक ही होता है, एक ही टाइटल टाइटल होगा ना, दो टाइटल तो नहीं हो सकते, एक ही टाइटल। आमिर तीन गलती से लिखा होगा आपने, मेन टाइटल एक ही होता है, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसका अगर टाइटल बनाऊंगा तो मैं टाइटल बना लूंगी बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, यही मेरा है ये, या लुकिंग फॉर द बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, नीचे इसके बारे में कंटेंट लिख दो। ठीक हो गया। अच्छा, सब टाइटल कितने होते हैं? सब टाइटल कितने होते हैं? 6 मल्टीपल, डिपेंड करता है आर्टिकल की लेंथ कितनी है। आर्टिकल की लेंथ, आर्टिकल 500 वर्ड का हो सकता है, दो तीन हो, एक दो हो। आर्टिकल आपका 5000 वर्ड्स का है, हो सकता है 20 पढ़े, 20 उसके अंदर सब टाइटल बने हो, तो मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर अगर यहाँ पे मैं आपके पास एक सैंपल ओपन करूं, आर्टिकल सैंपल दिखा दूं आपको, जिसमें हेडिंग्स ज्यादा यूज हुई होंगी, ताकि सेंस ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स का कंटेंट छोटा होगा तो उसमें वो सेंस नहीं बनेगी। ठीक बता दूं, आर्टिकल की एग्जांपल दे दूं, मिक्स तो नहीं करोगे ई कॉमर्स को और आर्टिकल को?
मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल हेडिंग्स जब यूज होती हैं तो किस तरह से कंटेंट नजर आता है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ। जी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे यूजुअली मैं साल लिख के पूरा करवाता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ई कॉमर्स है, इसको हमने इतना ज्यादा इन डेप्थ जाना नहीं है, इस वजह से मैं आपको साथ ऐसे करवा रहा हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग लॉ। अच्छा ये फर्स्ट पे रैंक वाला रिजल्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है ये क्या है, ये मेन टाइटल है, हेडिंग है ना, मेन टाइटल हेडिंग कुछ भी इसको बोल लो, यही है। हेडिंग ये अगर मैं इसको बोलूं कि आर्टिकल की ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर वैसे तो टाइटल है, हेडिंग है, पता लग गया, अगर इस आर्टिकल की कौन सी नंबर वाली हेडिंग है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? हेडिंग वन होगी या टू होगी या थ्री होगी, कौन सी होगी? फर्स्ट हेडिंग होगी ना, फर्स्ट हेडिंग। और अगर फर्स्ट हेडिंग को मैं हेडिंग वन कह दूं, एच वन बोल दूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट हेडिंग बोल दूं, हेडिंग वन बोल दूं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एच वन, हेडिंग वन बोला है तो मैं हेडिंग को शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देता हूं और एच वन कर देता हूं, एच वन है। तो ये देखें, ये आपका हो गया हेडिंग वन, और इसको माइंड में रखना है एच वन, क्योंकि एसईओ में एच वन हम उसे बोलते हैं, तो हेडिंग वन है। मैं नीचे आया, ये मेरे पास एक और हेडिंग आ गई, ये हेडिंग क्या है? क्या ये हेडिंग इक्विवेलेंट है मेन हेडिंग के? क्या ये जो हेडिंग लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ टॉप 40 इंटरनेट मार्केटिंग ब्लॉग्स, ये हेडिंग और ये हेडिंग एक ही लेवल पे फॉल करती है? सुपीरियर कौन सी हेडिंग है? सुपीरियर हेडिंग आपकी ये हेडिंग वन है, जिसको आपने हेडिंग वन बोला है, आपकी मेन हेडिंग है, और ये इसकी सब हेडिंग है। मानते हो सब लोग ये बात? तो आप अग्री करोगे कि ये हेडिंग जो लिस्ट ऑफ टॉप 40 इंटरनेट मार्केटिंग ब्लॉग्स लिखा हुआ है, ये हेडिंग मेन हेडिंग की सब हेडिंग है, ऐसे ही है। तो क्या मैं लेवल के ऊपर, अब याद रखना मैं नंबर के ऊपर नहीं कर रहा, मैं लेवल के ऊपर कर रहा हूं। अगर ये हेडिंग हेडिंग वन है, फर्स्ट हेडिंग है, तो इस हेडिंग की जो सब हेडिंग है, मैं कहता हूं कि मैं क्या उसको हेडिंग टू बोल सकता हूं? कि ये हेडिंग हेडिंग वन के लेवल की हेडिंग नहीं है, एच वन नहीं है, ये हेडिंग वन से एक स्टेप डाउन है। हेडिंग वन ऊपर सुपीरियर है, और हेडिंग वन की सब हेडिंग एक स्टेप डाउन उससे है, मैं उसको कह रहा हूं कि ये हेडिंग टू है, हेडिंग टू, सब हेडिंग ऑफ हेडिंग वन है, तो हेडिंग टू। ओके हो गया। तो हेडिंग वन आपका टाइटल, और हेडिंग वन की जो सब हेडिंग है सेकंड लेवल पे फॉल कर रही है, वो है हेडिंग टू। याद रखना मैं आर्टिकल की नंबर वाइज हेडिंग नहीं कर रहा कि वो नंबर वन हेडिंग है, फिर नंबर टू हेडिंग है, फिर नंबर थ्री है, फिर नंबर फोर, ऐसे नहीं, मैं लेवल वाइज डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। हेडिंग वन आपकी सुपीरियर हेडिंग थी, टॉप हेडिंग थी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक ही होती है, वो हेडिंग वन है। हेडिंग वन की जो सब हेडिंग है एक लेवल उससे डाउन है, वो आपकी हेडिंग टू है, हेडिंग टू, उसको मैं एच टू कहता हूँ, हेडिंग टू एब्रीविएशन करके मैं एच सिर्फ लिख रहा हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स एसईओ के अंदर यूज होती हैं, तो आपके सामने लिखी भी नजर आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग वन क्या होती है, हेडिंग टू क्या होती है। हेडिंग वन आपकी टॉप टाइटल है, और हेडिंग टू टाइटल की सब हेडिंग है। लेवल वाइज ये आपका डाउनफॉल आ रहा है, ये नंबर वाइज नहीं है, लेवल वाइज है। ओके हो गया। अच्छा, लिस्ट ऑफ टॉप 40 इंटरनेट मार्केटिंग ब्लॉग्स के नीचे एक और हेडिंग बनी हुई है, जिसमें डिफरेंशिएट किया हुआ है ब्लॉग्स को। पहला जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड जो ब्लॉग्स हैं, पहले उनकी लिस्ट दी हुई है। तो ये हेडिंग जो है, क्या ये हेडिंग लिस्ट ऑफ टॉप 40 मार्केटिंग ब्लॉग्स के इक्विवेलेंट है, या इसकी सब हेडिंग है? तो कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन is the subheading of list of top 40 internet marketing blogs. ऐसी है। तो जब list of top 40 internet marketing blogs आपकी heading 2 है,
तो ये लेवल इस लेवल से वन लेवल डाउन है, ऐसे ही है। तो कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन इज वन लेवल डाउन, ऐसे ही है ना। नहीं, जिनको तो पता है वो इसलिए बोली जा रहे हैं, जिनको जो बिल्कुल नए हैं मैं उनसे सुनना चाहता हूँ कि एक लेवल डाउन है ना इसलिए। आप अगर इसको हेडिंग टू बोल रहे हो तो इसको हेडिंग टू बोल सकते हो। अगर मैं लेवल वाइज डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि जो आपकी सबसे पहला टाइटल है वो आपकी हेडिंग वन है, हेडिंग वन की जो ये दूसरी सब हेडिंग आई वो हेडिंग टू है क्योंकि उससे एक लेवल डाउन है। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन उससे भी एक लेवल डाउन नहीं आ रही, लेवल टू से भी लेवल थ्री पे आ रही है। तो लेवल थ्री की जो हेडिंग है उसको मैं हेडिंग टू अगर कह दूंगा तो फिर तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। अगर इस हेडिंग को कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन को मैं हेडिंग टू बोल दूं तो फिर मतलब होगा कि ये हेडिंग और ये हेडिंग दोनों आपस में सेम लेवल पे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो जब लेवल एक और नीचे डाउन हुआ तो मैं जिस तरह हेडिंग वन हेडिंग टू कह रहा था तो ये हेडिंग क्या बनेगी? क्या इसको हम हेडिंग थ्री बोल सकते हैं कि ये थर्ड लेवल के ऊपर है? हेडिंग वन फर्स्ट लेवल की हेडिंग है, टॉप हेडिंग, टॉप टाइटल है आपका। हेडिंग टू जो है वो सेकेंड लेवल की हेडिंग है, हेडिंग थ्री जो है वो थर्ड लेवल की हेडिंग है। तो ये लेवल वाइज जो है ना डिवीजन हो रही है। अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो ओके करें, और इससे जो नेक्स्ट हेडिंग बनी हुई है मुझे आपने बताना है कि अगर हम इस लेवल सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो वो हेडिंग नंबर कौन सा बनेगा। और उन लोगों ने बताना है जिनको बिल्कुल पहले नहीं पता था, जिनको आइडिया है वो तो बताते जा रहे हैं। तो ये अगर हेडिंग हेडिंग वन है आपका लेवल वन, सेकेंड लेवल की हेडिंग हेडिंग टू है, ये आपकी थर्ड लेवल की हेडिंग हेडिंग थ्री है, तो ये हेडिंग वन क्लिक लेंस जो लिखा हुआ आ रहा है क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है, ये इससे एक लेवल डाउन आ रही है, इस कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की सब हेडिंग है। तो ये आप क्या होगा, हेडिंग फोर। हेडिंग थ्री बोलोगे तो वो इक्वल हो जाएगी आपकी कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के। जी यहाँ पे उमर ने बोला है 3.1, SEO के अंदर 3.1 नहीं होता, या 3 होता है या 4 होता है। ये हेडिंग अगर आप एकेडमिक्स वहां पे पेपर वगैरह में लिख रहे होते, कहीं पे लिख रहे होते तो आपने लिखना था, इसको लिखना था आपने फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड हेडिंग होनी थी, ये आपकी 2.1 होनी थी, या आगे थर्ड हेडिंग आती है तो उसके साथ जो बाकी आ रही होती है 3.1, 3.2, 3.3 उस तरह हो रहा होता है। इसमें वो नहीं होता, इसमें या 2 है या 3 है, या 3 है या 4 है। इसमें 1.1 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, SEO के अंदर, ऑनलाइन राइटिंग के अंदर। ओके हो गया। तो मुझे बताओ कि हेडिंग्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये टॉप लेवल हेडिंग नंबर वन लेवल पे हेडिंग वन, उसकी सब हेडिंग नंबर टू लेवल पे हेडिंग टू, उसकी सब हेडिंग हेडिंग थ्री, मतलब हेडिंग हेडिंग टू की सब हेडिंग है ये हेडिंग थ्री, उसकी सब हेडिंग हेडिंग फोर। ओके, सबको क्लियर है? कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको क्लियर ना हो, क्योंकि ये सर्विस आप समझ लो स्किल आपके पास आ गई, और अकेली इसको इसको सेल करना स्टार्ट कर लो, पैसे तो इसमें भी बहुत है। दुनिया की कोई भी वेबसाइट कंटेंट के बगैर लाइव नहीं होती, दुनिया की कोई भी वेबसाइट कंटेंट के बगैर, राइटिंग के बगैर नहीं आ सकती। तो दुनिया की हर वेबसाइट को कंटेंट चाहिए, तो आप खुद सोच लो कि कितना ज्यादा इसका स्कोप होगा इस काम पर। तो क्लियर सबको? कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको क्लियर ना हो, सबको क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि आपने ये जो वन क्लिक लेंस ये जो लिखा हुआ आ रहा था इसको आप लोगों ने हेडिंग फोर बोला है, तो ये जो नंबर टू पे डिजिट डे लिखा हुआ आ रहा है ये कौन सी हेडिंग है? अब आपका टेस्ट है। हेडिंग फोर, हेडिंग फोर, सेम हेडिंग फोर, फोर हेडिंग फोर, हेडिंग फोर, हेडिंग फोर वाले बिल्कुल ठीक है। देखा यहाँ पे अब थोड़ा सा आया ना, कुछ लोगों ने बोल दिया हेडिंग फाइव। मुझे बताओ क्यों हेडिंग फाइव? क्या डिजी डे वन क्लिक लिंजी की सब हेडिंग है? नहीं, ये सेम लेवल पे है। ये पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू है, ये 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, ये सारी सेम लेवल की हेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी सब हेडिंग है कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की, जो कि हेडिंग थ्री है। तो हेडिंग थ्री की ये सारी सब हेडिंग्स नंबर वन से लेके नंबर सिक्स तक या सेवन तक जितने भी ये जा रही हैं, ये सारी की सारी हेडिंग फोर है, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी दूसरे से प्रायोरिटी पे नहीं है, सब की सब सेम लेवल के ऊपर है। समझ आई?
नंबरिंग हो या ना हो, क्योंकि इनमें अगर वन क्लिक लिंजी के अंदर कोई सब हेडिंग होगी तो वो हेडिंग फाइव होगी, समझ आ रही? वो आपकी हेडिंग फाइव होगी, ये आपकी हेडिंग फाइव नहीं है, ये आपकी हेडिंग। अच्छा टाइम भी बुरा हो गया हमारा यार। असल में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि कल को जब आप कहीं भी करो तो ये ना हो कि आप लोग कहीं जी। और सबसे ज्यादा इसमें यही हेडिंग वाला था, हेडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना जरूरी था। जी अगर वन क्लिक लिंजी के अंदर यहाँ पे एक और हेडिंग बनी होती जो वन क्लिक लिंजी की सब हेडिंग होती, तो क्योंकि वन क्लिक लिंजी हेडिंग फोर लेवल था तो इसके अंदर वाली सब हेडिंग जो है वो हेडिंग फाइव लेवल पे आनी थी। ओके हो गया। तो लेवल वाइज है, लेवल वाइज तो अभी वन क्लिक लिंजी है, डिजिटे है, हबस्पॉट है, सारी की सारी इक्वल लेवल के ऊपर है, सारी की सारी सब हेडिंग है कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की। तो इसलिए यहाँ पे किसी के का कोई वो इन पे प्रायोरिटी नहीं है, सारी हेडिंग फोर है। लेकिन वन क्लिक लिंजे के नीचे को सब हेडिंग बना दो, डिजिटे के नीचे को सब हेडिंग बना दो तो ये एच फोर है, एच फोर की सब हेडिंग जो होगी वो हेडिंग फाइव होगी। क्लियर आ गया समझ? तो लेवल वाइज हेडिंग है। ओके हो गया। तो अभी ये सारे के सारे पॉइंट्स इसकी सब हेडिंग है, तो ये हेडिंग थ्री थी, ये हेडिंग फोर है। हेडिंग फोर के नीचे कोई सब हेडिंग आएगी तो हेडिंग फाइव होगी, लेवल डाउन होगा तो फर्दर लेवल डाउन होगा तो हेडिंग फाइव है। हेडिंग फाइव से नीचे लेवल डाउन होगा तो हेडिंग सिक्स हो जाएगी। तो कह लो कि हेडिंग टू जो है वो हेडिंग वन की सब हेडिंग है, हेडिंग थ्री जो है वो हेडिंग टू की सब हेडिंग है, हेडिंग फोर जो है वो हेडिंग थ्री की सब हेडिंग है, और हेडिंग फाइव जो होगी वो हेडिंग फोर की सब हेडिंग होगी। इफ एवरी हेडिंग फोर हैज अ हेडिंग फर्दर देन इट विल बी हेडिंग फाइव। एग्जैक्टली तलहा, एग्जैक्टली हेडिंग फोर वन क्लिक लिंजी के अंदर भी सब हेडिंग होगी तो हेडिंग फाइव होगी। ओके हो गया हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट। तो बस इस पॉइंट पे रोक लेते हैं यार इसको, फिर हम लोग ना बाकी पॉइंट को खास नहीं है, आप पढ़ोगे भी तो समझ आ जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन इसको फर्दर मैं इंशाल्लाह विद इन 10 to 20 मिनट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके इसको वाइंड अप कर दूंगा। बाकी कोई इतना खास नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था या एक ये पॉइंट है, बाकी सारे नॉर्मल हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए पहले इसको पॉइंट को नहीं पढ़ा था, एच वन एच टू एच थ्री में कीवर्ड यूज करो, क्योंकि पहले आपको समझाना था कि एच वन एच टू एच थ्री हेडिंग्स होती क्या है। वीकेंड की असाइनमेंट ये है कि मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर करूंगा अकाउंट क्रिएशन की, अपवर्क की या फाइवर की, वो अकाउंट आपने बना के आना है मंडे से पहले पहले। दूसरा ये टॉपिक कल क्लियर नहीं हुआ, वरना मैंने आपको इसकी भी एक आर्टिकल लिखने की असाइनमेंट दे देनी थी, तो वो अब आगे चली गई। ओके ओके कोई बात नहीं, इसको आगे लेके चल पड़ेंगे। ये शीट शेयर, ये आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा मैं, बाकी इसको यहीं से आगे लेके चलेंगे। हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप कर देंगे, और मैं इसको बता भी दूंगा कि इसको आप डायरेक्ट सेल कैसे कर सकते हैं, और फिर अगर आप अपना स्टोर सेटअप करते हैं ई कॉम तो उसके अंदर तो इसको अप्लाई करना ही करना है। जी रिकॉर्डेड लेक्चर जो होगा वो मैं फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। ठीक हो गया, चलें मेरा हेलो वो ना नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया, सत्यान साहब ने मुझे प्राइवेट मैसेज भी किया हुआ है, तो यहीं पे इसको रोकते हैं। मेरा थोड़ा सा लेक्चर अभी स्टार्ट में भी हमने लेट किया, तो नेक्स्ट से कोशिश करेंगे जल्दी स्टार्ट कर दिया करें। नहीं सैटरडे संडे ऑफ है आपको, मंडे मंडे की अब क्लास है आपकी। ठीक है, वेबसाइट पे पब्लिश करना भी बताऊंगा, सब सब करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ तक सीख लो। मैं देख लूंगा सामान जी, सैंपल है, सैंपल है ये बस जी, मैं कर लूंगा। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, हैव अ वेरी गुड वीकेंड, और उम्मीद है कि जितना भी अभी टूटा फूटा थोड़ा सा किया आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह बाकी भी इसको कंप्लीट